आपके बीच लेकर आ गया हूँ एक बेहतरीन बिजनेस आइडियाज जिसकी मार्केटिंग और ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ रही है। इस बिजनेस की मार्केटिंग न कभी घटी है न कभी घटेगी, इसकी मार्केटिंग हर साल लगातार बढ़ ही रही है। आज हम बात करेंगे दूध के बिजनेस के बारे में। दोस्त, दूध का इस्तेमाल हर घर, हर गांव, हर शहर, बड़े बड़े महानगरों में यानी देश के सभी घरों में इस्तेमाल किया जाता है। बात करें तो एक छोटे बच्चे से लेकर बुढ़ापे के इंसान तक का दूध का इस्तेमाल किया जाता है। तो जरा आप ही सोचिए कि अगर दूध की बिजनेस किया जाए या दूध का दुकान खोला जाए तो दूध की मार्केटिंग कितनी तेजी से ग्रोथ करेगी। अपने एरिया की मान लीजिए, अपने एरिया में अगर जो भी दूध डेयरी का शॉप होगा उसमें आप भीड़ देखते होंगे, वहां आपकी मार्केटिंग ग्रोथ देखते होंगे कितना तेजी से मार्केटिंग और ग्रोथ पकड़ती है। आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि दूध डेयरी का दुकान कैसे खोलें, दुकान खोलने के लिए आपको क्या क्या करना होगा और साथ ही साथ आपको इस बिजनेस फील्ड के लिए कौन से लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। और दोस्त, आपको ये भी पता चलने वाला है कि अपने दूध के बिजनेस को कैसे ग्रोथ लेवल तक पहुंचाएं, यानी मार्केटिंग कैसे बढ़ाएं, सेल्स कैसे बढ़ाएं, आपको ये भी पता चलेगा। और दोस्त, आपको इस बिजनेस फील्ड में कितनी लागत लगने वाली है, ये भी, कौन सी मशीनें लगने वाली है, आपको ये भी जानकारी मिलेगा। और साथ ही साथ इस बिजनेस फील्ड से आपको कितनी प्रॉफिट मिलने वाली है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको दुकान के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। जब आप दुकान के लिए जगह ढूंढते हैं उस समय आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होगा। जहां पर आप दुकान खोलना चाहते हैं वहां पर भीड़ भाड़ हो और सिटी के अंदर हो, और साथ ही साथ अगर आपके जहां पर दुकान करना चाहते हैं वहां के आसपास सोसाइटी या कॉलोनी हो तो बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। और जहां पर आप दुकान खोलना चाहते हैं वहां देख लें कि आसपास कोई और डेयरी मिल्क की दुकान तो नहीं है, अगर दुकान है तो वहां पर आप दुकान करना थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी, ऐसे में और ज्यादा थोड़ी सी आपकी सेल्स पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसा जगह दुकान खोलें जहां पर और आसपास कोई और डेयरी मिल्क की दुकान न हो। जमीन की बात करें तो अगर आपकी स्वयं की जमीन है तो काफी ज्यादा बेहतर है, और नहीं है तो आपको किराए पर ढूंढना होगा, किराए पर ढूंढ कर आप दुकान खोल सकते हैं। बात करते हैं कि दूध कहां से लाएं, बेचने के लिए दूध तो आपको रखनी पड़ेगी, वो कहां से लाना है। तो दोस्त, अपने आसपास के गांवों में जाएं और वहां के किसान भाइयों से संपर्क करें या जो डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं यानी पशुपालन का काम करते हैं उनसे संपर्क करके आप अपने शॉप यानी दुकान पर दूध जितना चाहिए आपको 100 से 200 लीटर 300 लीटर आप अपने शॉप पर मंगा सकते हैं। अब बात करेंगे कि दूध डेयरी शॉप खोलने के लिए आपको किन किन उपकरणों की यानी किन मशीनों की जरूरत पड़ेगी, आखिर कौन से मशीन्स आपको इस बिजनेस के लिए खरीदने होंगे। तो दोस्त, आपको लगभग 2 या 3 मशीनों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें नंबर 1 का मशीन है फैट मशीन। इस मशीन के सहायता से आप दूध की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, दूध की क्वालिटी के हिसाब से आप किसानों भाइयों को पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरी नंबर की जो मशीन लगेगी वो लगेगी आपके दूध खराब ना हो, इसके लिए आपको एक फ्रीजर टाइप का फ्रिज जहां पर ठंडा स्थिति हो वह मशीन आपको रखना पड़ेगा। इस बिजनेस के लिए आपको कैन, माप लीटर और साथ ही साथ आपको यहाँ पर छन्नी, टेबल, कुर्सी, बैनर इत्यादि चीजों की जरूरत भी पड़ेगी। अपनी डेयरी दुकान की मार्केटिंग कैसे बढ़ाएं, सेल्स को कैसे बढ़ाएं, तो दोस्त आपको अपनी दुकान की प्रचार कर सकते हैं, आप अपनी दुकान के जगह जगह पर जाकर प्रचार कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी दुकान की जो दूध है उसकी कीमत फिक्स रखें ताकि कस्टमर भ्रमित ना हो पाए कि अलग अलग कीमत ना लें कि एक से दूसरा कीमत और एक से दूसरा कीमत। ऐसे करेंगे तो आपकी दूध की मार्केटिंग काफी ज्यादा गिर जाएगा। और आपकी मार्केटिंग की ग्रोथ के लिए आपको दूध की कीमत फिक्स रखनी है और साथ ही साथ अपने दूध में पानी बिल्कुल भी ना मिलाएं और सही माप से कस्टमरों को दें। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी मार्केटिंग, आपकी दुकान की ग्रोथ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि आखिर ये डेयरी मिल्क दुकान खोलने के लिए आपको किन किन लाइसेंसों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्त, आपको लगभग 1 लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, वो है FSSAI का लाइसेंस। जहां भी खाने पीने की बात आती है यह लाइसेंस वहां पर हाजिर होती है। तो दोस्त, आपको इस लाइसेंस को पाने के लिए, मतलब कि इस लाइसेंस को लेने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, यानी इस बिजनेस फील्ड में आपको कितनी लागत लगानी पड़ेगी। तो दोस्त, आपको इस बिजनेस फील्ड में ज्यादा लागत नहीं लगानी पड़ेगी, आपके कम इन्वेस्ट में भी आप इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। दोस्त, आपको इस बिजनेस फील्ड में यानी बात करें तो अगर आप दुकान किराए पर लेते हैं तो आपको थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, और अगर आपकी स्वयं की दुकान है तो आपको थोड़ी कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको लगभग 2 मशीनों की जरूरत पड़ेगी, वो भी काफी सस्ती मार्केट से आप परचेस कर सकते हैं। अगर बात करें और
केन छन्नी आपको साथ साथ टेबल कुर्सी की जरूरत पड़ेगी, वो आप तो जान ही रहे हैं, सस्ते से सस्ते आप परचेस कर सकते हैं। अगर बात करें इस बिजनेस की तो आप इस बिजनेस को लगभग 5,000 से 10,000 में शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लाखों रुपए में भी स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे पैमाने पे बात करें तो 5 से 10 हजार में भी इस बिजनेस फील्ड को स्टार्टअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कमाई की। दोस्त इस बिजनेस फील्ड में कमाई कितनी होती है, अब इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्त इस बिजनेस की जो प्रोडक्ट यानी दूध है, दूध की जरूरत छोटे बच्चे से लेकर बुढ़ापे इंसान तक को है। तो दोस्त ऐसे बिजनेस की मार्केटिंग और कमाई तो काफी ज्यादा हो सकती है। इस बिजनेस में कमाई भी ढेर सारा है। अगर आप किसान भाइयों से दूध 40 रुपए लीटर खरीदते हैं और उसको सेल करते हैं 50 रुपए लीटर बिना पानी मिलाए, दोस्त यहाँ पर आपको ये भी करना है, पानी वहाँ पर नहीं मिलाना है। अगर पानी मिलाते हैं तो आपकी बिजनेस फ्लॉप हो सकती है। दोस्त ऐसे में आप 50 रुपए लीटर बेचते हैं तो आपको पर लीटर 10 रुपए मिलती है। तो दोस्त आपको यहाँ 10 रुपए कमाई के तौर पर मिलती है। तो यहाँ पर बात करें कि अगर आप डेली 100 लीटर 200 लीटर सेल करते हैं, अगर 100 लीटर सेल करते हैं तो आपको यहाँ 1,000 रुपए पर डे मिलता है। तो यहाँ अगर बात करें 30 दिनों की तो 30,000 रुपए आप मंथली कमा सकते हैं इस बिजनेस फील्ड से। ओनली कमाई की बात कर रहे हैं हम, और आप जितना सेल्स करेंगे उतनी कमाई आपको इस बिजनेस फील्ड में होने वाली है। अगर आप दूध डेयरी का बिजनेस करते हैं तो इसके साथ साथ आप दही पनीर खोवा के साथ साथ अदर क्वालिटी के अच्छे अच्छे क्वालिटी के मीठा भी आप सेल्स कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी दुकान की मार्केटिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी पार्ट मिस हुआ होगा तो आप तुरंत कमेंट करें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और दोस्त अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आप किसी और बिजनेस आइडियाज के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें ताकि मैं उस पर एक वीडियो बना सकूं। चलिए मिलते हैं किसी और बिजनेस को लेकर किसी और वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।